हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज HPTET नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में मैथमेटिक्स सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ मैथमेटिक्स सेक्शन की, तो कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट, राइट? ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास सेक्शन सीरीज ए है, तो कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है? देख लेना, ए सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए से है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल बी 5:6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है? तो देखो, अनु और राज की प्रेजेंट एज मुझे दे रखी है, ठीक है? प्रेजेंट एज की रेशियो कितनी रेशियो दे रखी है, 4:5। कहता है ये रेशियो 5:6 हो जाती है। अरे ये रेशियो 5:6 हो जाती है कब, 8 साल के बाद, ठीक है? 8 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आप गैप देखिए कितने का है, 1। कितने का गैप है, 1 यूनिट। तो कैन आई से 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 8 ईयर्स, ठीक है? 8 साल के बराबर लिख सकते हैं हम, ठीक है? सो अगर 1 यूनिट 8 ईयर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 32 ईयर्स, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 40 ईयर्स। बस यही आपको निकालना था, 30 और 40। यस, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि इसको 4x मान लेंगे और 5x मान लेंगे, फिर दोनों में ऐड करके रेशियो ये आ जाएगी, वो भी ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ए इज इसका सही ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है? ए ऑप्शन 32 ईयर्स एंड 40 ईयर्स प्रेजेंट एज की, ठीक है ना? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्या था, 5x माइनस, सॉल्व करेंगे इसको, 2 या 4x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। तो यह आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 4 प्लस 7/2, दिस इज 6x प्लस 3/2, है ना? ये 12x प्लस 3 और 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 28, राइट? सो 28 माइनस 3 दिस इज 25 एंड 12x माइनस 2x 10x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/10, 5 से जाएगा, सो 5/2, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यस, रोम्बस से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन रोम्बस से है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 square centimeter, ठीक है? द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 square centimeter एंड वन ऑफ द डायगनल, है ना? अब डायगनल से ना एक दो क्वेश्चन आए हैं आपको रोम्बस से, ठीक है? सो वन ऑफ द डायगनल इज 16 centimeter, फाइंड द अदर डायगनल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, रोम्बस से फार्मूला लगेगा वही, एरिया क्या होता है रोम्बस का, ठीक है? एरिया क्या होता है रोम्बस का, मैं चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ। द एरिया ऑफ 93rd क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 square centimeter एंड वन ऑफ द डायगनल, वन ऑफ द डायगनल इज 16 centimeter, फाइंड अदर डायगनल, ठीक है? ऑप्शन क्या दे रखे थे, 20 centimeter, 40 centimeter, ठीक है, 30 centimeter, 50 centimeter, ठीक है? ये ऑप्शन दे रखे थे आपको। तो कैसे करना था क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया दे रखा है कितना, आपको पता है एरिया किसके बराबर होगा, इसका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। तो एरिया कितना गिवन है आपको, 240,
और वन डायगनल दे रखा है उसने 16, और 1/2 है ना, 1/2 करेंगे, 1/2 16 इंटू सेकेंड एलिमेंट डायगनल आपको निकालना था यहाँ पे, क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये, 2 इधर ले जाओ आप, तो कितना आ जाएगा, 0 8 4 और 16 इंटू सेकेंड जो डायगनल रहेगा आपका, ठीक है, 16 थ्री टाइम, और आपके पास कितना आ जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। तो सी जो है वो इसका सही ऑप्शन था यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेंडर से है, सिलेंडर से भी आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं और रोम्बस से भी आपको 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, 94 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे करना था क्वेश्चन को देखेंगे, कहता व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है ना, तो बड़े अच्छे से देखते हैं इसको, देखो कैसे करना था। तो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, मान लेते हैं ये इसकी रेडियस है आर और ये हाइट है, ठीक है, और बट अच्छा क्या क्या देखते हैं क्वेश्चन, बट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कहता है रेडियस कितनी दे रखी है उसने, रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंड टोटल सरफेस एरिया कितना है 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, देखें अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, जैसे यही है, ठीक है, मैं सिलेंडर की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया और फिर टॉप प्लस बॉटम का एरिया, टॉप प्लस बॉटम क्या है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर यहाँ से आ जाएगा कॉमन, और एच प्लस आर इज इक्वल टू 968, ठीक है ना। और रेडियस हमें दे रखी है कितनी है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 7, एच निकालना है, रेडियस कितनी है 7 और 968 यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू एच प्लस 7 इज 968, डायरेक्टली इसको काटते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 से जाएगा क्या, ये चला जाएगा 11 फोर टाइम, और 4 2 या 8, 4 4 या 16 और 2, ठीक है। अब 2 से काट, 11 से 2 टाइम और 2 टाइम, यस, एच प्लस 7 इज इक्वल्स टू 22, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो डी जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका रेक्टेंगल से पूछा गया है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, ठीक है, 95 क्वेश्चन। यस, 95 क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, दिस इज 95, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड
इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, अलोंग इट्स विड्थ एंड अ सिलेंडर ऑफ एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको ये निकालना था, ठीक है. सो ऑप्शन भी देख लेंगे. ऑप्शन है आपके पास 17600 क्यूब सेंटीमीटर, 18600 क्यूब सेंटीमीटर, 18593 क्यूब सेंटीमीटर एंड 19600 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या कैसे करना था इसको. कहता रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, ठीक है. तो रेक्टेंगल शेप में बना लेते हैं हम, ठीक है. कहता रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, तो कितनी विड्थ दे रखी है उसने, 14 सेंटीमीटर. इज रोल्ड, देखो मान लेते हैं इसी को मान लेते हैं, ठीक है. इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ऐसे मान लो, चलो क्योंकि ऐसे रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे देखें, ठीक है. तो 14 सेंटीमीटर है, तो आप खुद सोचो जब इसको रोल किया जाएगा इसकी विड्थ के अलोंग, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडरी तो बन जाएगा ना, सिलेंडरी तो बन जाएगा, है ना, ठीक है. इसको जब आप रोल करोगे, देखो जब आप इसको रोल करोगे ऐसे करके, तो ये क्या सिलेंडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा आपके पास, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा आपके पास, ठीक है, है ना. नेक्स्ट, एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, अब इसकी रेडियस कितनी है, आर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर इस फॉर्म. कहता है इसका वॉल्यूम निकालना है. अब वॉल्यूम तो आपको पता ही किसके बराबर होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. अब एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये 14 सेंटीमीटर जो ये जो विड्थ थी, जब इसको आप रोल करोगे तो ये एक हाइट का काम करेगी या नहीं करेगी. देखो ये विड्थ थी, जब इसको रोल करोगे तो ये क्या बन गया, एक हाइट बन गई ना सिलेंडर की. तो हाइट क्या है, ये जो विड्थ पहले थी 14 सेंटीमीटर, क्लियर. तो एच आपके पास है, आर आपके पास है, वॉल्यूम निकल जाएगा 22/7, आर स्क्वायर करोगे तो 400, ठीक है, एच करोगे तो 14, टू टाइम 22 × 800, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आपका, यस ए, यहाँ पे ए जो है वो इसका सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, ठीक है. तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि कैसे बना ये, कैसे नहीं, है ना, पेपर से आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उसने, कहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है ना. तो मेरे ख्याल से ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन्होंने 2019 एच पी टेट में भी पूछा है, तो रिपीटेशन होती है क्वेश्चंस की, ठीक है ना. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 97th क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6800 must be multiplied to get a perfect cube is. ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन थे 5, 8, 10 and 15, ठीक है. तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को अगर हम बाई ऑप्शन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है. कहता द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये नंबर है 6800, ठीक है. कहता किस छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, मुझे एक रिजल्टेंट में एक जो नंबर मिले वो एक परफेक्ट क्यूब हो, मतलब किसी नंबर का क्यूब हो, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है. तो आप यहाँ पे अगर देखें कि अगर मैं नॉर्मली यहाँ से 5, पहला ऑप्शन अगर मैं 5 पिक करता हूँ, तो
तो अगर मैं यार इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो इसका आंसर बनेगा 43000, ठीक है, ये इसका जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा रिजल्टेंट में। ठीक, अब ये नंबर क्या किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है? यस, आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ये आपका 70 का क्यूब बन रहा है। यहां पे किसका क्यूब बन रहा है? 70 का क्यूब। आप बोलोगे कि ये चेक करो, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करो आप, लेकिन ये होगा होगा नहीं क्योंकि पहला ऑप्शन मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से करने पे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब यहाँ पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 70 का क्यूब। अच्छा, इन केस अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते तो हमने कॉमन सेंस यूज करनी है कि छोटा बोला है उसने, तो बाई ऑप्शन भी हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जो जैसे 5 और 8 है तो उसमें छोटा नंबर है ना, छोटा ऑब्वियसली 8 तो हो नहीं सकता, अगर 5 और 8 में चुनना पड़ जाए, आपको सेलेक्ट करना पड़ जाए तो आप 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये है कि 8 से करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, ये वो बात तब की है जब ऑप्शन आपके दो आ जाए। ठीक है, एक है ना, तो यहाँ पे 5 इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, 98 क्वेश्चन डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्या क्वेश्चन था जी? देखें 98 क्वेश्चन है, बाय थ्री गेट वन फ्री, बाय थ्री गेट वन फ्री, बाय थ्री गेट वन फ्री। ठीक है, बाय थ्री गेट वन फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर, बीइंग ऑफर्ड हियर। ठीक है, तो ऑप्शन 33.33%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 25% एंड डी ऑप्शन 100%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे कैसे करना है इसको सॉल्व, है ना। बाय थ्री गेट वन फ्री, 3 के साथ 1 मुफ्त, है ना। तो देखो, आपको मैंने आई थिंक पिछली पता नहीं कौन सी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिस्काउंट होता है या फिर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो तो लगता है सीपी पे, है ना, और जो आपका डिस्काउंट होता है वो लगता है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य जो होता है, मार्क्ड प्राइस जो होता है। ठीक है ना, तो कैसे करना था क्वेश्चन को? ठीक है, देखो मैं लिख लेता हूं यहां पे कि सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट, अलग अलग वे हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को। ठीक है ना, ठीक है, एसपी, हाँ सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट लिख लो, डिस्काउंट और एमपी, डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस। ठीक है, कहता बाय थ्री गेट वन फ्री, है ना, बाय थ्री गेट वन फ्री, मान लो ये 4 टोटल हैं आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए, पेन ही मान लो यहाँ पे, मार्कर मान लो यहाँ पे। ठीक है, कहता वाई थ्री गेट वन फ्री, 3 खरीदने पे आपको 1 मिलेगा, टोटल कितना है? 4 ही तो होंगे ना। ठीक है, टोटल कितना है, ओरिजिनल कितना है? 4। तो अगर मैं एक मार्कर की, लेट से एक की आप मार्क्ड प्राइस रख देता हूँ, कुछ मार्क्ड प्राइस तो होगा ना इसका, मान लेते हैं 100, मान लेते हैं 100, तो एक का अगर एमपी मैंने 100 माना है तो 4 टोटल है, तो 4 का आपका मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 400। कैन आई से 400 इज द मार्क प्राइस? यस, ओके। अब इसको सेल किसने कितने पे हो कर रहा है वो? एज अ 3, मतलब 3 मार्कर के रेट पे, एक पे तो उसने फ्री दे दिया, मतलब उसको रिलैक्स कर दिया ना, तो 300 सेल कितने पे? 300, है ना, 300 मार्क प्राइस पे।
है ना, तीन की अगर एक का 100 माना है तो तीन का कितना होगा मार्कर का, 300। अच्छा अब डिस्काउंट देखें आप, एमपी माइनस एसपी है ना, एमपी माइनस तो कितना है, डिस्काउंट देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 100, बस यहाँ पे 100 डिस्काउंट आ गया। लेकिन डिस्काउंट किस पे लगता है, एमपी पे, डिस्काउंट किस पे लगता है, एमपी पे। तो 100 ओरिजिनल वैल्यू 400 है आपकी, और क्योंकि मैंने निकालनी है परसेंटेज तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और इसकी फ्रैक्शन जो आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 25। तो आपका सी जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन बैठना था, समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप पॉज करके देख सकते हो, और दूसरे तरीके से भी इसको मैं करवाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 100 ही लेना है, आप कोई और नंबर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे 25 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, आंसर में बदलाव नहीं आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, आप करके देखना चाहे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन था रेड इज सी, 25% इसका सही ऑप्शन था, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टैट से क्वेश्चन है 99, इजी क्वेश्चन, जो एचपी टीजीटी का क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था अभी पीछे, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा ही था, है ना। तो रिलेशन पूछा था मीन मीडियन मॉड, तो काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो सी इसका सही ऑप्शन था डायरेक्टली, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने के लिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, 100 द सम ऑफ एन, द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, 2n-1 एन स्क्वेयर, 2n+1 एन स्क्वेयर माइनस वन, राइट। देखो तो ये आपका एपी से क्वेश्चन है बेसिकली, तो ऑड नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कितना है, 1, 3, 5 है ना, और ये चलते जाएगा एन, सोन एन तक पूछा उसने सम ऑफ। तो सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन एन अपॉन 2, 2a+n-1 इन टू, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो एन अपॉन 2, ठीक है, 2 इंटू ए, कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो 2 आ जाएगा, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, देखो a2-a1 2, a3-a2 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2+2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n × n, 2n² / 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी, एन स्क्वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, खैर छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलजबरा से क्वेश्चन है 101, डायरेक्ट फॉर्मूला, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन देन x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा, ए, 3xyz, ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, 102 क्वेश्चन, द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड, ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो ऑफ, तो 1:2:3, 2:2:2, 1:1:1 एंड 3:3:3, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। तो द एल्टीट्यूड ड्राउन, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड्स बराबर हैं, ठीक है, ओके। कहता द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स, तो अगर चलो अच्छा पहले तो इसके अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया इसका, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जो है ये इक्वल पार्ट मीडियन, एज अ मीडियन ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको ना,
ठीक है, अगर मैंने ए साइड मान ली तो ये कितनी, ए बाय टू, और ये कितनी हो जाएगी, ए बाय टू हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके, ये यहाँ से ए साइड, अच्छा इसने साइड तो नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ओके ओके साइड नहीं दी ना, ठीक, ओके। देखो तो द अल्टीट्यूड रन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल, अच्छा अगर मैं ए इक्वल है तो ए मान लेता हूँ इसकी साइड, ये कितनी हो जाएगी, ए बाय टू है ना, और ये कितनी है आपके पास, ए, ये ए है, और ये निकल जाएगा, अल्टीट्यूड आपका निकल जाएगा। ठीक है, अल्टीट्यूड निकल जाएगा आपके पास, और ये बेसिकली ना एक थ्योरम भी है आपके पास, डायरेक्ट ये थ्योरम होती है कि अगर ये इक्विलेटरल है तो इसके अल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी तीनों की। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आराम से लग सकती है बिल्कुल, क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आप करोगे, तो ये जो अल्टीट्यूड की आपकी वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, यस √3/2a, √3/2a, ये आपका अल्टीट्यूड आएगा, अल्टीट्यूड की। ठीक है, तो एक अगर ये है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और तीनों की सेम होगी ना, उसने रेशियो पूछी है, तो अगर तीनों की रेशियो पूछी जाए तो रेशियो है क्या, बेसिकली कंपैरिजन ही होता है ना, कंपैरिजन। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे कि अगर रेशियो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर ये कॉमन निकले यहाँ से तो 1:1:1, मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ये जो सी है ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि देखो ना ये रेशियो बेसिकली क्या है, रेशियो पूछी ना उसने, अब जैसे मैं बोलूँ कि ए, अगर मैं ए टू बी की बात करूँ, जैसे आप माने यहाँ पे कि मैन और वुमेन, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2:1, तो इससे आप क्या समझते हैं कि मैन, एक मिनट के लिए कंसिडर कर लो कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की बात हो रही है, इससे क्या पता चलता है हमें, 2:1 मतलब ये जो मैन की एफिशिएंसी है ये इससे 2 टाइम है, दुगनी है, ज़्यादा है ना, कंपेयर, कंपेरिजन हो रहा है ना कि मैन की एफिशिएंसी ज़्यादा, कंपेरिजन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यूज, तो मतलब सेम है ना, सेम 1:1:1, मेरे ख्याल से सी इसका सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो खैर जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहाँ पे भी देख लेना, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे सी जो है वो सही बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 1:03, द नंबर 0.5 इज अबाउट, अच्छा परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 1:03 परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा है, द नंबर 0.0, द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है, 2.5, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 0.25, डी ऑप्शन नॉट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को हमने, द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है, तो 0.05 बेसिकली पहले है क्या, 5/100, 1/20, तो 1/20 जो है वो इसका कितना परसेंट है ना, तो 1/20/20 × % निकालनी है, तो 100, क्योंकि बेस कंपैरिजन किससे हो रहा है, ऑफ, आप इसके ऐसा भी देख सकते हैं ऑफ बाय, तो उसके आगे जो आए वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 400 × 100, 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 0.25, सॉरी द नंबर 0.05, यहाँ पे 5/100 है ना, 5/100 इज व्हाट परसेंट, इज व्हाट परसेंट, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हम, द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 है ना, तो 0.05 इज व्हाट परसेंट, तो 0.05 बेसिकली है क्या, 5/100 है ना,
तो 5/100, 1/ है ना 200, ठीक है, सॉरी 20, सो 1/20। तो हमने उसने क्या पूछा, द ये जो 1/20 है इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, है ना, 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। अब क्योंकि परसेंटेज पूछी थी उसने, तो 100 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, है ना। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/20 अपॉन 20, 1/400, और ये आ जाएगा आपके पास 100, है ना, जीरो से जो ये आ जाएगा 1/4, 1/4, हाँ ठीक है ना, सी सी यहाँ पे सही है बिल्कुल। 0.25 का क्या मतलब, 25/100, 1/4, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो गया मैं थोड़ा सा। तो ठीक है, यहाँ पे सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 0.25। ओके नेक्स्ट, 104 क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। तो 104 कहता, अ नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9 इफ इफ द सम ऑफ डिजिट्स, इफ सम ऑफ डिजिट्स इन इट्स इट इज अ मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल ऑफ ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 9 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, कहता अ नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 9, है ना, तो आपके पास नंबर है कुछ इस फॉर्मेट का, ठीक है, कहता इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इन इट, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इन इट इज अ मल्टीपल, है ना, मल्टीपल किसका मल्टीपल। तो देखो आप मेरी बात सुनो, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके डिजिट्स का जो सम होगा वो भी 9 से अगर डिविजिबल हुआ, यानी कि उसका अगर मल्टीपल हुआ, ठीक है, होगा उसका मल्टीपल होगा वो, ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, उसने बोला ना नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ना वो भी 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी रूल होता है ये। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 9 का मल्टीपल भी होगा, क्लियर, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन 9, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, पावर सर्वर्स एंड इंडिसेस। तो मेरे ख्याल से एक कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि आई थिंक, पता नहीं कन्फ्यूजन थी उनको, ए बी सी पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, कुछ और ऑप्शन बोला था गलत, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन था, 105 क्वेश्चन का, देखो 3^4 इंटू 5^-3 माइनस 2 किसके बराबर, ये हमने देखना था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे 3^-8 इंटू 5^5, 3^-8 इंटू 5^6, 3^-8 इंटू 5^-6, 3^-8 इंटू 5^9, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 3^, अच्छा एक इसको आप चाहे ऐसा कर लो कि अगर पावर नेगेटिव है नीचे ले आओ इसको, इसको मैं क्या लिख सकता, 3^4 इंटू 5^-3 और पावर 2 हो जाएगी, अब ठीक है यहाँ पे। ओके नाउ 1/, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 3^4 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 3^8 इंटू 5^-6, है ना, अब ये ऊपर जब जाएगा तो ये 3^-8 इंटू 5^6 बन जाएगा, ठीक है ना, 3^-8 5^6, दैट मीन बी इज करेक्ट ऑप्शन, यस बी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, कहता सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो कहता लेस देन ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन इक्वल टू, सी ऑप्शन ग्रेटर देन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये भी आपका बी 44.2 जो है वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 108 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, द डिग्री ऑफ, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5/-√2, ठीक है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीस, राइट। डिग्री पूछी है उसने पॉलिनोमियल की, तो यार आपको पता ही होगा कि पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहला, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक, तो आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों रियल होंगे, ठीक है, ये कंडीशन रहती है। तो और इसकी जो पॉलिनोमियल की लीनियर की डिग्री रहती है वो 1, इसकी रहती है 2, इसकी रहती है 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस फॉर्मेट में है ना, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए और बी आपके पास रियल नंबर है यहाँ पे। तो इसकी जो डिग्री होनी थी पॉलिनोमियल की वो कितनी आनी थी, 1। दैट मीन्स सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल पूछा है उसने, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई बाय -7/13, तो इसको भी क्या सॉल्व करवाना है, सीधा ही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी कितना, 104/21, डायरेक्ट नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 के बीच में आपको बताना था कि कितने प्राइम नंबर है। अगर अब अगर काउंट करें तो टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट हमें फैक्चुअल बेस याद रखने होते हैं, ठीक है। तो देर आर 25, ठीक है, वैसे आप देख भी सकते हो, चेक कर लेना, देर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होएगा अभी, ठीक है। कहता इफ 1 1 1, इफ 2 1 y 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वेयर y इज डिजिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ऑप्शंस आर 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 5। तो क्या कह रहा है, कहता इफ 2 1 y 5, बहुत इजी क्वेश्चन, इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो यार सीधी बात है, अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो इसके जो डिजिट्स का जो सम होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, है ना। वेयर वाई इज अ डिजिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो आप सीधा देखें, आप इसको चाहे सम कर लें वो भी ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाई की जगह अगर आप 1 रखो तो 5 1 6 7 8 9 तो गया आंसर, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मतलब प्लस माइनस आई है इस बार तो, है ना, क्या बोले, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो बड़ा इजी है आपका, ठीक है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपली इसको ऐड करना था यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना था, बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, जिसमें ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर पे, गीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, 10% ऑफ
हर सैलरी देन व्हाट इज हिज देन व्हाट इज हर सैलरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था 5,000, 6,000, 2,000, 4,000। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता गीता सेव्स रुपीस 400 फ्रॉम हर सैलरी, तो कुछ सैलरी होगी उसकी। अच्छा, इसको आप एक्स वाई से भी कर सकते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको एक्चुअल वे में करना कैसे होता है, देखो। कहता गीता सेव्स रुपीज़ 400 फ्रॉम ही सैलरी, उसने अपनी सैलरी से 400 रुपया बचाया है। ठीक है, और जो बचाया है वो कितना है, कहता 10% है। वो कितना है, 10% किसका, सैलरी का। तो अगर 10% उसकी सैलरी का 400 रुपया है तो टोटल कितनी होगी उसकी, 100% होगी ना सैलरी। तो 10 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4,000। बात खत्म हो गई यहाँ पे, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं कि एक बार इसको एक्स वाई के जो करेंगे वो भी ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका अगेन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, द सेल प्राइस ऑफ टॉय कार, ठीक है, 114, द एसपी ऑफ अ टॉय कार इज रुपीज 540 इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20% देन व्हाट इज द सीपी। क्या निकालना था आपको, कॉस्ट प्राइस निकालना था इसका। ठीक है, 350 रुपीज़, 750 रुपीज़, 450 रुपीज़ और 630 रुपीज़। ओके, देखो तो कहता है एसपी सेलिंग प्राइस दिया है टॉय का कितना, 540, इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। तो देखो यार, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही होगा ना। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है उसको तो 20% ऊपर है, सीपी की वैल्यू 100%, एसपी कितना है 20%, तो 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 540 रुपीस। निकालना क्या है, सीपी, और वो कितना होता है 100%, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 540 बाय 120, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 6 9 और 540 आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करना होता है इनको, जितना एक्स वाई से दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये एक्स मानना, ये फिर लंबा चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि एक्स वाई कंसीडर करके चले हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो 2%, 2%, 1:2:5। ए ऑप्शन 10%, 20, 30%, बी 10.5%, 20.5, 30.5%, डी सी ऑप्शन 12%, 25%, 62%, डी ऑप्शन 12.5%, 20%, 62.5%। तो देखेंगे, कहता मुझे कन्वर्ट करना है इस रेशियो को किस में, परसेंटेज में। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चंस को अगर आप बाय ऑप्शन करो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका वैसे आंसर डी है, लेकिन आया कैसे देखना, देगा ध्यान से। 12.5% की अगर बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये मैंने आपको परसेंटेज वाली वीडियो में बहुत बार बोलता हूँ कि परसेंटेज वाली वीडियो अच्छे तरीके से देख लो, परसेंटेज टू रेशियो, रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन बहुत जगह काम आएगा आपका। ठीक है, जैसे यहीं पे देख लो, तो 12.5% की वैल्यू आपको पता होगी तभी तो आगे काम चलेगा ना।
ठीक है, 62.5% की वैल्यू पता होगी फ्रैक्शन में, तभी तो आगे काम चलेगा ना, ठीक है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है ना, ओके। 25% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/4। अब मेन पंगा आएगा यहाँ पे कि 62.5% की वैल्यू का, हाँ आप निकाल सकते हैं 62.625/10 और नीचे 100 आ जाएगा, और मतलब 625/1000 करोगे फिर उसको, मतलब इतना नहीं है ना, इतना ज़्यादा वो हो जाता है फिर ये, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा अब 62.5% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, आप यहाँ पे एक चीज़ देखना कि अगर 12.5% की वैल्यू 1/8 है, अगर मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12.5 × 5 कुछ समझ में आया, इसको 5 से किया और इसको भी 5 से करोगे तो 5/8 वैल्यू इसकी आएगी, 5/8 वैल्यू इसकी आएगी। तो अब तो रहा ही नहीं कुछ इसमें, इसकी अब निकाल लेंगे हम इसको, 12.5% की वैल्यू 1/8 × 1/4 × 5/8, 8 से करोगे तो 1:2:5, 1:2:5, 1:2:5, तो डी जो है उसका सही ऑप्शन होना था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन नंबर, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन, ए इज करेक्ट ऑप्शन, एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट करना था आपको 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में, ठीक है, बहुत इजी है, आपको पता ही होगा मिलीमीटर और इसमें किलोमीटर कन्वर्जन करनी थी बेसिकली हमने, तो आपको ये नॉर्मल सी बातें तो पता ही होंगी ना कि क्या क्वेश्चन था। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन को यार, 117, कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर, ठीक है, 0.005 किलोमीटर, 0.0035 किलोमीटर, 0.00005 किलोमीटर, 0.00035 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितना होता है, 1000 mm है ना, मुझे mm टू किलोमीटर जाना है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि एक मीटर में, यानी कि आप यहाँ से देखें कि एक किलोमीटर में कितना 1000 मीटर और एक मीटर में कितना 1/1000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक मीटर की वैल्यू आपके पास इतना है 1000 mm, और एक मीटर की यहाँ वैल्यू कितनी है किलोमीटर में, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। मुझे mm टू किलोमीटर जाना है ना, तो 1 mm 1/3 और 3 10^6 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 6 जीरोज लगेंगे, ठीक है, 1 mm में 1/10^6 किलोमीटर। तो अब यहाँ सीधा देखो यार, 2 2 4 2 6 यहाँ पे ये आना था यहाँ पे, ठीक है, डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको 1 की ये है तो 35 की क्या हो जाएगी ये, है ना, इजी है। नेक्स्ट आपका यस 118 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 12.5 सेंटीमीटर, देन साइड्स बतानी थी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन 4567, ठीक है,
कहता है ईच साइड ऑफ रेगुलर पोल। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब होता है यहाँ पे सेम, इक्वल, ठीक है। कहता है ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओके, इफ इट्स पैरामीटर। अब देखो ना, मुझे पैरामीटर दिया ना उसने 12.5, इसी से काम चलेगा, देखना पैरामीटर दिया है और मुझे पता है कि पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड्स, है ना, बाउंड्री जो होती है आपकी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसकी कितनी साइड्स होंगी, मान लेता हूँ एक्स साइड्स होंगी, और ईच कितनी दे रखी है उसने, ईच साइड दे रखी है ना कितनी, 2.5, तो आपके पास एक्स क्या है, साइड, ईच साइड, तो आपको मिल जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा, 12.5 अपॉन में 2.5, तो इसको करोगे 10, और ये कितना आ जाएगा, 25/10, 125/10, और ये आ जाएगा 25/5, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ हेमिस्फीयर। ओके 119 क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फीयर। माय अपोलॉजी, सॉरी, यहाँ पे मैंने आंसर की जहाँ बता रहा था मैं वीडियो में आपको, वहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे ए टिक करवाया है, वन ए नहीं होगा यहाँ पे, बी होगा यहाँ पे, टू होते हैं यहाँ पे। देखो ना, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो वो आपका कुछ इस तरह से होगा, एक ये वाला और एक इस साइड वाला, तो आपके पास टोटल दो फेसेस होंगे यहाँ पे, ठीक है, गलत वहाँ पे मैंने गलत बता दिया है, वन, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, द डायगनल ऑफ अ रोम्बस, द डायगनल ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर, ठीक है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन है, 94 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे, जहाँ तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डेटा इनकोरेक्ट दिया है, थोड़ा सा है कुछ, ठीक है। तो कहता द डायगनल ऑफ रोम्बस, डायगनल दे रखी है उसने, लेंथ दे रखी है ना, मान लेते हैं ये उसके दो डायगनल हैं, है ना, ये वाला मान लेते हैं कितनी लेंथ दे रखी है उसने, 30 सेंटीमीटर, और अच्छा अगर ये पूरा 30 है तो मतलब ये कितना 50, और ये 50, मैं एक एक कंसिडर करके चलता हूँ यहाँ पे, 50 50 हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा, और अगर एक 15 है तो ये 7.5 और 7.5 हो जाएगा, बिल्कुल। और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो आपका डायगनल होता है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है यहाँ पे एंगल, अच्छा ये भी कंफर्म हो गया कि ये एंगल 90 है, अच्छा ये परपेंडिकुलर पता है, ये बेस पता है, हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड जो है वो आपकी निकल जाएगी, साइड जो है वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है, यस दैट इज, लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू स्क्वायर रूट में 225 प्लस 7.5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 56.5, इसको आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास दिस इज 281.25, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 281 भी अप्रोक्सीमेट मानता हूँ तो आप ऑप्शंस की तरफ नज़र देखिए, यहाँ पे ये तो कुछ बड़े ज़्यादा हो गए, समझ रहे हैं मेरी बात, तो यहाँ पे या तो इन्होंने थोड़ा डेटा में किया है, अगर नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन ज़रूर दे रखा है हमें नन ऑफ दीज का, ठीक है, यहाँ पे हमें नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। सो आज हमने जो ये जो एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस मैथमेटिक्स सेक्शन का किया है, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो आप इसको ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया होगा आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। अगर मैंने बाकी भी सेक्शंस देखे हैं बहुत नॉर्मल था, यानी कि इतना टफ नहीं था, ठीक है। सो ओके, ठीक है ना। अगर आपको इसमें से किसी भी मतलब कि क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपने समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।